नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ जिसे आप बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में, चाहे लेडीज प्रोजेक्ट में, आप जेंट्स स्वेटर में भी डालेंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे या तो फुल स्वेटर में डालिए या फिर हाफ स्वेटर में भी इसे डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। डिज़ाइन को बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए। यह डिज़ाइन 8 के मल्टीपल फंदों में है, तो 8 के मल्टीपल में आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं। और 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। प्राइमरी कलर के ऊन से 2 लाइन बनाने के बाद हम दूसरे कलर के ऊन से 4 लाइन बना रहे हैं। ये डिज़ाइन सामने की तरफ से पड़ता है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सामने की तरफ हैं। अब हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 5 फंदे को हम सीधा बुनेंगे, 6. फंदे को स्लिप करेंगे, 7. फंदे को सीधा, फिर 8. फंदे को स्लिप करेंगे। फिर इन्हीं 8 फंदों को हम फिर से रिपीट करेंगे। 5 फंदा सीधा, 6. फंदे को स्लिप करेंगे, 7. फंदे को सीधा बुनेंगे और 8. फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 5 फंदे सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 6. फंदे को स्लिप करेंगे, 7. फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर 8. फंदे को स्लिप करेंगे। फिर अगले 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 6. फंदे को स्लिप करेंगे, 7. फंदे को सीधा, 8. फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 8 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर उनको अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं 8 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं और बॉर्डर के बाद ये तीसरा लाइन है। तो हम फिर अपने दूसरे कलर के ऊन से 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, यानी अपने पहले लाइन को ही हम दोहराएंगे। 5 फंदा सीधा बुनेंगे,
नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 8 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने 8 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड में हम अपने दूसरे लाइन को ही दोहराएंगे, यानी स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। 5वीं लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, बुने हुए फंदे को, स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5वीं लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा 6ठा लाइन है बॉर्डर के बाद से। तो इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, इस लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। अब ये हमारा 7वां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम अपने सेकेंडरी कलर के उनसे सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर हम स्लिप करेंगे और अब 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे और इन 8 फंदों को हम दोहराएंगे, यानी एक फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप, फिर देखिए ये 3 फंदे जो हमने स्लिप किए थे उसके दोनों साइड वाले इन 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 3 फंदे ये हुए और 2 फंदे साइड वाले, 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर अगले 5 फंदे सीधे। फिर स्लिप करना है, सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है, नेक्स्ट 5 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्हीं 8 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने एक फंदा स्लिप किया, फिर सीधा बुना, फिर स्लिप किया। अब देखिए लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधा बुनने हैं, बुने हुए फंदे सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे बुना हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 9th रो और सामने से, तो 9th रो में हम अपने 7th रो को ही दोहराएंगे, यानी एक फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर 5 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर सीधा बुनना है, फिर स्लिप, फिर 5 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है, फिर 5 फंदे सीधे। तो पहले फंदे को छोड़कर इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे,
उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ग्यारहवीं लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। ग्यारहवीं लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब बारहवीं लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं एक से बारह लाइन को हमें रिपीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 12 लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, आशा है डिजाइन आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।